त्रिपाठी सर, यहाँ देखिए वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है कि क्या कुछ करना बहुत जरूरी है। सर आज ही कमर्शियल जो सिलेंडर है एलपीजी का वो 190 रुपए बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों में जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उनके दाम में भी इजाफा हुआ है। ये जो पेट्रोलियम सब्सिडी के मोर्चे पर राहत है सर, ये भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती होगी क्योंकि रसोई का बजट तो इससे भी गड़बड़ाता है। देखिए इस वक्त सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी काफी लगाई हुई है और इसलिए उसमें कोई राहत होना मुझे व्यावहारिक नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सरकार, केंद्र सरकार लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए साल में इकट्ठा कर रही है और राज्य सरकारें करीब 2 लाख इकट्ठा कर रही हैं। अन्य जो सरकार के संसाधन हैं वो ज्यादा चल नहीं रहे हैं। हालांकि अब GST ठीक हो गई है तो हो सकता है GST चूंकि अब आ गई है अपने स्तर पर और ऊंचे भी आ गई है तो कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे LPG सिलेंडर में कुछ राहत हो सकती है। लेकिन जो वित्तीय स्थिति खराब है और जो जॉब मार्केट खराब है उसको देखते हुए सरकार को अपने खर्च बढ़ाने पड़ेंगे और सरकार के संसाधन इस समय सीमित हैं। टैक्स में कोई कॉस्मेटिक चेंज कर दें कि नीचे के लेवल पर थोड़े रिलीफ दे दें, ऊपर के लेवल पर ज्यादा सेस लगा दें, वो संभव हो सकता है। लेकिन जैसा एक आपके वक्ता ने बताया, मेन स्रोत इस वक्त होगा कि सरकार को बोरो करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट को ताल भर के लिए किनारे रखना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर सरकार टैक्स फ्री बॉन्ड निकाले तो काफी बोरोइंग बढ़ा सकती है।